बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी जायका। आज मैं आपसे आलू अंडे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके लिए हम एक कप ऑयल ले लेंगे, उसमें 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, उनको ब्रीक काट के चॉप करके ऑयल में डाल देंगे। फिर हमने जो है इसको लाइट गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अब हमने लहसुन अदरक की जो है बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि जो उसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर 2-3 टमाटर लेंगे, वो बारीक काट के डाल देंगे। इनकी भी पकाई हम अच्छे से कर लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जो हमने हल्दी डाल दी, इनको अच्छे से भून लिया। फिर हमने जो है आलू वो बारीक काट के डाल दिए क्यूब शेप में। अब हमने इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा फिर हमने कवर दे के जो है इसको रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो है हमारे आलू जो है बहुत अच्छे से कुक हो गए होंगे। अगर कुक ना हुए हो तो आप फिर थोड़े टाइम के लिए कवर दे के रख दें। फिर 4 अंडे ले लेंगे। फिर हम उसमें जो है पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ सूखा धनिया और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे डालने से पहले जो है हमने बीच में 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डाल दी और यहाँ पे हमने अंडे फेंट के जो है डाल दिए। इनको बिल्कुल हल्के हाथों से हलाना है, फ़ौरन नहीं हलाना, कुछ सेकंड्स के बाद, ताकि जो हमारे अंडे हैं वो टूटे ना, थोड़े मोटे मोटे अंदर रहें। फिर इसको कवर दे के रख देंगे और लास्ट में हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे और हमारे आलू अंडे की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय का इजाज़ ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ताकि मैं मज़ीद और अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। इसको आप पराठों के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, बहुत मज़े के लगेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।